लाओ। क्यों आ गया महाराज? प्रणिपात महाराज, अब हमें वासुदेव पुत्र कृष्ण और बलराम का वध करना है। अब तुम अखाड़े में भांति भांति के मन सजाकर उन्हें मारने की योजना तैयार कर लो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जाओ दरबान, अब अक्रूर जी को शीघ्र बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणिपात महाराज, अक्रूर जी आप गोकुल जाइए और कृष्ण व बलराम दोनों भाइयों को मेरे पास मथुरा आने का निमंत्रण दीजिए। अब मैं दोनों भाइयों को मार देना चाहता हूँ। जो आज्ञा महाराज, आप अपनी मृत्यु को दूर रखने का जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वो ठीक ही है। मैं कल प्रातःकाल ही गोकुल के लिए प्रस्थान करूँगा। अक्रूर जी गोकुल पहुंचकर कृष्ण व बलराम को एक गौशाला में देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे दोनों भाई भी उन्हें बड़े ही आदर सत्कार से अपने घर ले जाते हैं। आइए अक्रूर जी इस आसन पर विराजिए। आप किस प्रकार निर्दयी कंस के साथ अपने दिन निर्वाह करते हैं और उसने आपको किस निमित्त से यहाँ भेजा है? कृष्ण, मुझे यहाँ कंस ने मथुरा से निमंत्रण देकर भेजा है। उन्होंने आपको और बलराम जी को मथुरा में पधारने का आग्रह किया है। अक्रूर जी, मैं यशोदा माँ से आज्ञा लेकर आता हूँ। मैया मैया, मुझे मथुरा जाना होगा। कृपया कर मुझे मथुरा जाने की आज्ञा दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कंस तुम्हें मारने के लिए मथुरा बुला रहा है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और तुम मेरे पास रहोगे। मैया, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझ पर विश्वास रखो। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा मैया। कृष्ण व बलराम के मथुरा नगरी समीप आने का समाचार लेकर आया है। उत्तम, अति उत्तम। उन्हें मथुरा नगरी में प्रवेश करते ही मार डालो। नहीं महाराज, हम ऐसा नहीं कर सकते। पूरी मथुरा नगरी में गोकुल से आए ग्वालों ने यह फैला दिया है कि कृष्ण ही देवकी के आठवें पुत्र हैं। हमें उन्हें प्रजा के सामने अखाड़े में ही मारना होगा। इसलिए प्रजा को प्रसन्न करने के लिए हमें उनका स्वागत कर अतिथि गृह में ठहराना होगा। ठीक है चारों, तुम जल्द ही अखाड़े के पास प्रजा व अन्य राजागण और यदुवंशियों को बैठाने की व्यवस्था करो और कृष्ण व बलराम। कृष्ण हजार हाथियों का बल रखने वाले कुवलिया पीठ हाथी को तुमने खेल ही खेल में मार डाला, इसलिए तुम्हें हम जैसे बलवानों से लड़ना चाहिए। क्यों नहीं, हम तैयार हैं। Thank you.
समझ न पाया, आप पुण्य से जा टकराया। जो होता था वही हुआ है, धर्म विजय का सदा रहा है। धर्म अधर्मी समझ न पाया, आप पुण्य से जा टकराया। जो होता था वही हुआ है, धर्म विजय का सदा रहा है। इसकी चलती है मनमानी, सच है ये ना समझो कहानी। रहता सदा है नाम जगत में, बोलो है।